बजर पेंट्स। आज थोड़ा सा क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ा उछाल भी आया है। ओपेक से कुछ खबरें आई हैं कि वो कुछ अपना जो प्रोडक्शन है थोड़ा कंट्रोल उतना ही रखेंगे, तो नया तो नहीं बताया, लेकिन जो जितना उन्होंने कम किया हुआ था वो उतना ही कम रहेगा। और उसके चलते थोड़ा सा कुछ, और रशिया से जो क्रूड आता है उस पर कुछ कैप लगा हुआ है, तो वो भी चेक, तो सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन अदरवाइज कैसा दिखता है सर बजट प्रिंट्स? सर अदरवाइज देखिए मुझे तो ठीक लग रहा है, बहुत खास नहीं है। केवल इस स्पेस में एलेक्स जी जो चिंता है वो केवल है सप्लाई साइड ज़्यादा होने की, क्योंकि ग्राजिम जैसी कंपनियां आ रही हैं इसमें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो वेंचर कर रहा है इसके अंदर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, तो ये दो ग्रुप जो है नए तरीके से मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी। और ऐसा हम देख रहे हैं और ऐसे बातें सुन रहे हैं कि जो इस पूरी कैटेगरी में जो सेकंड हाईएस्ट था वो जो बर्जर पेंट था, इसमें हिट ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो लीडरशिप पोजीशन है एशियन पेंट्स की शायद वहां पर, क्योंकि वो काफी इफिशियंट हैं, दे नो द बिजनेस वेरी वेल, और जिस तरह से वो उन्होंने अपने बिजनेस को बरकरार रखा है इन सारे इकोनॉमिक अपहीवल्स में, तो वो नहीं ज्यादा हिट होंगे, और बर्जर को शायद ज्यादा हिट हो सकता है, ऐसा अभी तक फेयर है मार्केट में। तो अभी ये चैलेंजेस हैं, बट लेकिन अदरवाइज देखेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पे अदरवाइज तो उतनी ज्यादा जो है दिक्कत नहीं दिख रही है। और चार्ट में भी ऐसा दिख रहा है कि समवेयर इट इज नियर टू द बॉटम, और एक फॉर्मेशंस बन रहे हैं जहां पर कि एक अच्छी तेजी आ सकती है। अगर आपके पास है और तो आप होल्ड करें, लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेकिन 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, तो थोड़ा थोड़ा लें ताकि स्टॉप लॉस जो है के करीब रहे आपका इन्वेस्टमेंट। तो निचले स्तरों पर लें, 575 के आसपास, 575 से 60 के बीच में लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन इसमें वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। और वहां से अगर ये तेज होता है एलेक्स जी, तो यहाँ से तकरीबन 725 750 तक पहला टारगेट होगा जो कि ब्रेकआउट हो गया उसके बाद, तो वेरी गुड लेवल टू लुक एट दीज थिंग्स। और जो है स्टॉप लॉस लेकिन काफी स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सप्लाई साइड जो हिट होने की संभावना है इस स्टॉक पे ज्यादा है, इसलिए रिलेटिवली आपने लोकेशन भी फंड का थोड़ा कम करना चाहिए। जी, तो क्या संतोष सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दो पार्टनर के बीच में बाकी बचे ना खोए वाली स्थिति, दो बड़े बड़े दिग्गज भिड़ेंगे एशियन पेंट्स और ग्रासिम के बीच में, तो शायद उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो बर्जर का होगा। डेफिनेटली अगर हमने टेलीकॉम स्पेस में एलेक्स जी देखा है कि कई कंपनियां खत्म हो गई, और आप देखें भारतीय एयरटेल जो कि दिग्गज कंपनी थी वो रह गई हमारे सामने, और जो बड़ा बड़ी कंपनी आई जियो वो है हमारे सामने, और हम देख रहे हैं कि जो उसके नीचे की कंपनियां थी, इवन फॉर दैट मैटर आइडिया और वोडाफोन मिल भी गए, इवन देन दे आर ब्लीडिंग। तो कॉम्पिटिशन जब इंटेंस हो जाता है किसी भी क्षेत्र पे, तो उसके ये पोजीशंस होते हैं। ऑल दो चूंकि वो कंपनियों उसके बिजनेस में इनके बिजनेस में थोड़ा अंतर है लेकिन, क्योंकि वो बिजनेस था कैपिटल इंटेंसिव, इनका बिजनेस उतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इनका थोड़ा कंज्यूमर रिलेटेड है। तो कंज्यूमर स्पेस में आप अगर बिजनेस की समझ रखते हो तो डेफिनेटली जो है अगर आपको केमिस्ट्री पता है तो आप विन करते हो वहां पे। तो ये दो कंपनियां एशियन पेंट बर्जर पेंट, दे अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, दे अंडरस्टैंड देयर कस्टमर नीड्स, उनकी क्या है, इनका बेटर अंडरस्टैंडिंग है देन टू दोज कंपनीज विच आर थिंकिंग टू कम इन टू द प्ले। तो ये थोड़ा सा एज है इनको, और उसी लिए लग रहा है मेरे को इसके चार्ट को देख के ये चीजें लग रही है कि मार्केट शायद अब इस चीज को सेंस कर रहा है, और हो सकता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ जाए यहाँ से। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से एनालाइज करके बजट पॉइंट बता दिया है संतोष सर ने।